people, welcome back to my channel, that is Fashion Waste with Chhaya, Chauhan. So today this video, I was super excited to do this video because this video is going to be on my makeup look and this is my first makeup look on this channel. So yeah, this is Rakshabandhan makeup look and I was super excited to do so. I know guys, I'm very late for this, but still I'm going to try it out. So this is my outfit of the Rakshabandhan. So if you want to check it whole outfit, so you can go on my Instagram and link is in description, so please check out it. And let's start our video with our makeup look. So सबसे पहले मैं बता दूं, मेकअप लुक को स्टार्ट करने से पहले एज आई ऑलवेज से दैट कि आपका जो भी स्किन रूटीन होता है दैट इज मोर एंड मच इम्पॉर्टेंट, राइट? तो रक्षाबंधन में जाने से पहले, आई नो मैं बहुत देर से बता रही हूँ सब चीज़ें, बट रक्षाबंधन में जाने से पहले आप अपनी स्किन केयर बहुत अच्छे से कर लेना और उसके बाद ही मेकअप वगैरह लगाना और मेकअप बहुत ही कम अप्लाई करना. जैसे कि मैं भी बहुत ही लाइट मेकअप अप्लाई करने वाली क्योंकि ये दिन में होने वाला, ठीक है? रक्षाबंधन इज अ फेस्टिवल विच इज गोइंग इन मॉर्निंग, राइट? तो हमें बहुत ही लेस मेकअप लेना है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करेंगे तो उससे होगा ये कि सामने वाला देख पाएगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप इन्होंने डाल रखा है फेस पे, राइट? तो इसीलिए वी विल अप्लाई अ लेस मेकअप ऑन माय ऑन फेस और स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए. तो इसीलिए मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और फेस वॉश मैंने किया है अपना फोमिंग क्लींजर, दैट इज राइस वाटर ब्राइट फेस वॉश एंड दिस इज अ गुड फेस वॉश. और अभी मैंने इसको रिसेंट यूज करना स्टार्ट किया और इस फेस वॉश का जो भी बेनिफिट होगा मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में जरूर बताऊंगी कि ये फेस वॉश कैसा रहा. अभी तो रिसेंट, तो अभी मैंने इसको वीक ही हुआ है तो मैंने अच्छा लग रहा है मेरे को और इसका रिव्यू मैं जरूर दूंगी इस फेस वॉश का. और मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, मैंने अपना सीरम लगा लिया है, मैंने अपना टोनर, इस समय मैं टोनर यूज कर रही हूँ काम आयुर्वेदा का. सो मैंने अपना टोनर बहुत छोटा सा पैक लिया था मैंने, सो मैंने अपना टोनर लगा लिया है, मैंने अपना मॉइस्चराइजर भी लगा लिया. सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी अपने मेकअप से. तो सबसे पहले मैं मेकअप में लगाऊंगी क्या, दैट इज अ प्राइमर, राइट? तो मैं लगाऊंगी प्राइमर. और क्योंकि प्राइमर क्या होता है क्या, मतलब प्राइमर जैसे कि हमारे थोड़े से ओपन पोर्स होते हैं और फिर जैसे हमारे स्किन के बीच में और मेकअप के बीच में एक एज अ बैरियर वर्क करता है, तो जो कि अच्छा है, हमारे स्किन को इतना हार्म नहीं करता ना मेकअप, क्योंकि मेकअप तो मे बी हार्म भी कर सकता है, राइट? तो हम सबसे पहले प्राइमर लगा लेंगे. सो हम लगा लेंगे प्राइमर, राइट? फटाफट से प्राइमर लगाएंगे और फिर उसके बाद अपने मेकअप की तरफ आगे बढ़ेंगे. अभी अपने बाल पीछे करेंगे क्योंकि मेकअप हमको पूरा करना है भाई, इसलिए बाल को अभी थोड़ा सा पीछे करेंगे, बाद में जो भी हेयर स्टाइल करनी होगी बाद में हम कर लेंगे. अभी के लिए थोड़ा सा बालों को पीछे करते हुए हमारा प्राइमर लग चुका है, राइट? अब प्राइमर लगाने के बाद हम अब लगाएंगे अपना कंसीलर, क्योंकि मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये दिन का मेकअप है तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कैरी करने वाली, सो मैं बहुत ही लाइट रखूंगी मेकअप को. तो अभी मैं लगाऊंगी अपना कंसीलर और कंसीलर मेरे पास दो है, मतलब अंडर आई के पास थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा डार्क है जैसे कि, और एरिया जैसे कि डार्क है, तो यहाँ पे ये वाला लगाऊंगी और पूरे फेस में ये, और बहुत ही लाइट लगाऊंगी सो दैट कि बहुत ही मतलब नेचुरल सा ही लगे, राइट? सो या आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय फेस. सो या मैं अपने फेस पे लगा लूंगी कंसीलर. फाउंडेशन नहीं लगाएं तभी सही है क्योंकि बहुत ही लाइट मेकअप हमें कैरी करना है, तो इसके लिए हम अच्छा है कि अपना कंसीलर ही कर सकते हैं. बाकी जिसको लगाना है वो फाउंडेशन भी लगा सकता है, बट आई गेस कि जितनी कम लेयरिंग करेंगे उतना ही बेस्ट होगा अपन लोग के लिए, ठीक है? अब इसके बाद हम पूरे फेस में ऐसे लगा लेंगे और थोड़ा आई एरिया में हम अपना जी वाला लगा लेंगे सो दैट कि हमें जो है थोड़ा सा सही सा आ जाए ओवरऑल लुक हमारा, ठीक है? तो हम इस जगह पर अपना ये लाइट वाला लगा लेंगे. अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, राइट? इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने अपना ब्लेंडर पहले से रख दिया था तो अच्छे से सोक हो चुका है मेरा ब्लेंडर. अब इसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसको अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड कर लेंगे सो दैट कि स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी. सो मैंने अपना मेकअप सॉरी मैंने अपना कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया, एज यू कैन सी मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड कर लिया. अब इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना कॉम्पैक्ट और ध्यान रखना कि गले के पास लगा लो, कानों के पास लगा लो, मैंने अलग से काले काले दिखे, राइट? अब इसके बाद हम लगा लेंगे अपना कॉम्पैक्ट ताकि थोड़ा सा मेकअप सेट हो जाए हमारा, राइट? तो हम लगा लेंगे अपना कॉम्पैक्ट ताकि हमारा मेकअप सेटल डाउन रहे. और मेकअप का क्या है, हमें बहुत ही कम ही करना है, राइट? हमें मेकअप बहुत ही कम लेके जाना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मेकअप करना है फेस पे. सो हमने अपना कॉम्पैक्ट पूरा अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फेस पे, मेरा कॉम्पैक्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही गया, राइट?
कॉम्पैक्ट हमने लगा लिया, एज यू कैन सी ये बहुत गोरा गोरा लग रहा है। अभी अच्छे से ब्लेंड कर लिया, अब इसके बाद हम लगाएंगे, अब इसके बाद अपनी आईब्रोज की थोड़ी सी फिलिंग करेंगे। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पर हल्की हल्की से हम अपनी आईब्रोज पर फिलिंग करेंगे। ये मेरा ब्राउन कलर का शेड लिया है मैंने, राइट, तो इससे हम अपनी आईब्रोज की फिलिंग करेंगे। फिलिंग वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं, पर फिर भी चलो हल्का सा कर लेती हूँ। अपनी हम आईब्रोज को फिल कर लेंगे, ऑलमोस्ट हो गया मेरा आईब्रो फिलिंग। इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, इसे हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। I'm done with my eyebrows. Eyebrows मेरे हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दैट इज हमारा आई शेडो, राइट। आई शेडो में मैं बहुत ही लाइट सा कलर कोई लगाऊंगी, ताकि बस आंखें थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगे, अदरवाइज मैं कुछ ज़्यादा लगाना नहीं, मैं फिंगर की हेल्प से ही लगाऊंगी। और बहुत ही कम लगाना है मेरे को प्रोडक्ट। सो मैं इसमें से लगाऊंगी ये वाला शेड, बहुत ही लाइट शेड, जो कि मेरी आंखों को खुद का अपना खुद का शेड है, पर बस मेरे को थोड़ा सा आंखों को रिप्रेजेंटेबल लगाना है। सो दैट्स व्हाई मैं इसको लगा रही हूँ, अदरवाइज ये दिन का है सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाने वाली कोई भी प्रोडक्ट। इसको फिंगर से आप इजीली लगा सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप फिंगर से इजीली अच्छे से ब्लेंड भी कर लेते हो, तो फिंगर से लगाना दैट्स इट्स गुड। व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट विद योर फिंगर देन इट्स गुड, राइट। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ आइज, राइट, दिस इज लुकिंग मच मोर रिप्रेजेंटेबल, यू कैन सी इट। सो अभी हम इधर भी लगा लेंगे वैसे ही। सो यहाँ मेरी आई शेडो लग चुकी है, आई शेडो मैंने बहुत ही लाइट सा लगाया, बहुत ही लाइट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लग रहा है बहुत ही नेचुरल नेचुरल सा, यू कैन सी माय फेस, राइट। सो आफ्टर आई विल अप्लाई काजल ऑन माय वाटर लाइन। मैं काजल हमेशा ही ये करती हूँ, मैं हमेशा साइड में लगाती, तो काजल लगा लेंगे हम फटाफट से। दोनों ही कॉर्नर्स में काजल लगा लिया, मैं हमेशा काजल मोस्ट ऑफ यही करती हूँ, साइड में लगाती हूँ। और आंखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए हम लगाएंगे वाइट काजल, आता है और इससे हमारी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखती हैं। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आता इसको लगाने का, पर हाँ हल्का सा जरूर आता है कि आपकी आंखें थोड़ा सा वाइट दिखती हैं। सो अभी मैं लगा लूंगी इसको, एज यू कैन सी इट। सो आफ्टर आई विल अप्लाई लाइनर, और लाइनर मैं अभी सामने नहीं लगाने वाली क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो मैं ऑफ कैमरा लगा के आपको दिखाती हूँ लाइनर, ओके। सो आफ्टर अप्लाई माई लाइनर यू कैन सी हाउ क्यूट इट इज लुकिंग। और अभी मैं लगा लूँगी अपना मस्कारा, सो दैट विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। सो आई मेकअप इज लाइक समथिंग विच शुड बी गुड, राइट। सो अभी हम अपने आई लैशेज को कर्ल कर लेंगे, उसके बाद अपना मस्कारा लगा लेंगे। आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे, देन आफ्टर आई विल अप्लाई मस्कारा। सो एज यू कैन सी इट हल्का सा ब्लेंडर हो गया देखो यहाँ पे, ओके। अब हम लगा लेंगे अपना मस्कारा, एंड दिस मस्कारा इज रियली वेरी वेरी गुड, दिस इज लैम 21 कर्लिंग मस्कारा, रियली इट्स ऑसम। और इसमें से जो भी प्रोडक्ट्स के में से लिंक हो पाएगी, वैसे तो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट मेरे ऑफलाइन है इस टाइम पर, सो जिनकी हो पाएगी मैं उनकी लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगी, जिनकी नहीं हो पाएगी सॉरी गाइस। सॉरी, मैं मसाला लगा लूंगी अपना खुदा देता। सो या गाइस आई एम डन विद माय मस्कारा, एज यू कैन सी आई एम डन विद माय मस्कारा। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये ब्लश के लिए, मैंने यहाँ पे लिया है लिप एंड चिक टिंट, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ये बहुत ही नेचुरल लगता है, सो आई जस्ट लव इट। और आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। वैसे भी आप लोग भी ऐसे ही कुछ अप्लाई कर सकते हो, जैसे लिपस्टिक हो गया आप साइड में अप्लाई कर सकते हो, और ऐसा कुछ भी आप लिप और चीक टिंट लगा सकते हो इजीली, जरूर नहीं कि आप यही लो। वैसे इसका लिंक मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगी, बिकॉज इसको मैंने मंगवाया था, सो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी।
और इसको हम हाथों से अपनी फिंगर टिप से इजीली ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है एंड दिस लुक्स सो ऑसम एज यू कैन सी ऑन माय फेस। बहुत ही लाइट सा लुक पर अच्छा आता है ये। इसको हम हल्का सा अपने नोज के ऊपर भी लगा लेंगे बिकॉज़ आई लव इट। सो या एज यू कैन इजीली सी इट ऑन माय फेस, हल्का सा अपने नोज पे लगा लेंगे एंड दैट विल गो ऑसम राइट। और हमारा ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है। वैसे भी मैं कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं मेकअप के लिए, आई एम जस्ट लाइक यू, बट आई ट्राइड इट एंड हैड डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स डूइंग इट। सो या गाइस, आई एम डन विद माय ब्लशिंग एंड आफ्टर दैट आई विल अप्लाई माय व्हाट, आई विल अप्लाई माय हाइलाइटर्स। सो आफ्टर इट आई विल अप्लाई माय हाइलाइटर। और हाइलाइटर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है हाइलाइटर लगाना। सो हाइलाइटर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊंगी राइट, ऐसा कि मतलब थोड़ा सा फेस में ही लग जाए पूरा ऑल ओवर। बहुत ही पतले से इसलिए मैं ऐसे लगा रहा था कि मेरे फेस में अच्छे से लग जाए। थोड़ा सा नोज एरिया पे लगा लेंगे हम, थोड़ा सा अपने यहाँ पर लगा लेंगे। इट जस्ट लुक गुड। ये अच्छे से शाइन करते हैं दीज एरिया, सो दे लुक रियली ऑसम। और मेरे को बहुत पसंद है कि फेस थोड़ा चमकता रहे राइट, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। मेकअप आप भले कम ट्राई करो बट हाइलाइटर शुड बी देयर एंड दैट्स अपॉन यू व्हाट यू वांट टू डू। मेरा मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है तो यही मैं रक्षाबंधन में कैरी करने वाली हूँ। तो सब कुछ चीज़ें बची, मेरा हाइलाइटर हो चुका है। सो लास्ट एंड लास्ट इज माई लिपस्टिक। सो अब मैं लगा लूँगी अपनी लिपस्टिक। मैं बहुत ही न्यूड शेड भी नहीं है, दिस इज रस्ट रेड, सो मैं इसको लगाऊंगी एंड आफ्टर दैट माई मेकअप विल बी कम्प्लीटेड। सो या गाइज, आई एम डन विद माई ऑल मेकअप, सो यू कैन सी द चेंज इन माई फेस एंड बहुत ही कम मेकअप मैंने अप्लाई किया, यू कैन सी बहुत ही कम लेयर्स लगाई हैं। और उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ करके आपसे मिलती हूँ फटाफट दो मिनट में। सो या गाइज, आई एम डन विद माई मेकअप एंड यू कैन लुक एट मी अ ग्रेट चेंज इन माई फेस राइट। सो अगर ये मेकअप अच्छा लगा सो प्लीज़ कॉमेंट ऑन बिलो। और मैंने इसमें बहुत एफर्ट्स डाले, आई एम जस्ट लाइक यू, मैंने मेकअप अभी भी स्टार्ट किया है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, सो आई ट्राई टू गाइड यू गाइज। और अगर कोई लड़का देख रहा है सो प्लीज़ इसको अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर कर देना, अपनी सिस्टर्स को शेयर कर देना, पर प्लीज़ कर देना और मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और दिस वॉज माई सिंपल सिंपल मेकअप लुक। और पूरा मैंने कहा था आउटफिट देखने के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे को जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लगी, और अगर आप इसको करते हो तो आपको करना कैसा लगा। और सो या हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस एंड या ओके बाय बाय गाइज एंड प्लीज़ कमेंट ऑन बिलो, शेयर माई वीडियोज़ एंड बाय बाय पीपल, एंजॉय योर डेज। तेरे बिना लगदा जी।